Hello munchkins, welcome back to our channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And what are we here to do today? We are here to give you some 5 amazing tips that can help you ace your long answer. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर अटकते हैं और उसमें अपने बहुत सारे मार्क्स लूज करते हैं. तो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ मैं आपको और बहुत ही प्रैक्टिकल, जिन्हें आप ईजिली अप्लाई करके अपने लॉन्ग आंसर्स में फुल नंबर ला सकते हो. तो बेटा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर डू आगे बढ़ते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले सिर्फ लिटरेचर सेक्शन को यूज करना जरूरी थोड़ी है, आपके पास रीडिंग राइटिंग सब सेक्शंस भी तो हैं. तो उनके लिए बेटा आपको वेदांतु बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दे रहा है. चाहे हम बात करें सैम्पल पेपर्स की, टेस्ट पेपर्स की, प्रैक्टिस पेपर्स की, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स की जो आपको चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए. यू जस्ट गॉट टू गो टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करेंटली वॉचिंग, ठीक है. और वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पर क्लिक करो. पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कैसी पीडीएफ खुलेगी, वरना आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा अगर आपने अभी तक साइन इन नहीं करा है. वंस यू साइन इन आईसी पीडीएफ में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, टुवर्ड्स दी एंड आपको ये लिंक गिवन होगा. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये शीट खुल जाएगी जहाँ पे आप अपने आप देख सकते हो कि आपके पास PYQ सीरीज, वन शॉट सीरीज, बोर्ड्स मैराथन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, CBSE प्रैक्टिस पेपर्स, आपके पास यू नो प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, समरी शीट, सब कुछ अवेलेबल है. मतलब आई थिंक इट्स योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी थिंग, फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू नीड फॉर योर इंग्लिश एग्जाम. सो आपको इसे ज़रूर अवेल करना चाहिए. ऑन दैट नोट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड लेट्स बिगिन विद द टिप नंबर 1. टिप नंबर 1 हमारा कहता है दैट ऑलवेज आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन. यूजुअली जो आपके पास लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कई बार बच्चे एक पार्ट का आंसर करते करते इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो बाकी पार्ट्स को भूल जाते हैं. तो प्लीज़ हर पार्ट का अच्छे से आंसर दीजिएगा, या फिर अगर आपको और कन्फ्यूजन है तो आप उनको पैराग्राफ स्टाइल में डिवाइड कर सकते हो ताकि आप हर पार्ट को अच्छे से एड्रेस कर सको. वेरी नेसेसरी. मूविंग ऑन टू दी टिप नंबर 2, इंक्लूड योर ओपिनियन एंड थॉट्स. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, अपने ओपिनियन अपने थॉट्स देने से मत कराओ. जब भी आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्पीच रिलेटेड, आपके पास यू नो कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर आप अपने ओपिनियंस या थॉट्स के थ्रू एंडिंग करते हो, टीचर पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. रादर इसी चीज़ को असेस करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं कि क्या आप सिर्फ चैप्टर्स की समरी रट के आए हो या आपको उसका एक्चुअली सार पता है, आपको पता है कि वो क्या वैल्यू को कम्युनिकेट करना चाहता है. तो प्लीज़ डू नॉट शाई अवे फ्रॉम इंक्लूडिंग योर ओपिनियन एंड थॉट्स. बताओ कि आपको कोई कैरेक्टर कैसा लगा है, बताओ कि इस इंसिडेंट से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप इस चीज़ से कैसे इंस्पायर हुए हो. दीज थिंग्स कैन एक्चुअली सेट योर आंसर्स अपार्ट, ट्रस्ट मी, क्योंकि वरना समरीज, पॉइंटर्स, फैक्ट्स ये तो हर कोई इंक्लूड करेगा, बट ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके आंसर्स को बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग बनाती हैं. मूविंग ऑन टू दी टिप नंबर 3, ऑलवेज मेक श्योर टू अंडरलाइन दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपका जो आंसर है उसमें कोई भी कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं, कोई भी पॉइंटर्स प्रेजेंट हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से अंडरलाइन कर दो. व्हाई एम आई सेइंग दैट, बिकॉज एग्जामिनर्स के पास यू नो बोर्ड्स के टाइम पे टन्स ऑफ शीट्स, थाउजेंड्स ऑफ शीट होती हैं एक दिन में चेक करने के लिए. तो ऐसे में एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक आंसर को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़े, और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कीवर्ड छूट जाते हैं और ये रीज़न होता है कि कई बच्चों इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट कि मेरे खुद के 12th क्लास में 88 नंबर आए थे इंग्लिश में, एंड आई नो इन माय हार्ट कि मैंने अपना पेपर बहुत अच्छे से करा था. अब उस टाइम पे मैं रीचेक के लिए दे सकती थी, बट डर ऐसा लग रहा था कि यार नंबर कटने की जगह, बढ़ने की जगह कट गए तो मैं क्या करूंगी. तो प्लीज़ ऐसी गलतियां मत करना, मैंने वो गलती करी थी, ठीक है. आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ज़रूर अच्छे से अंडरलाइन करके जाइएगा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके जाइएगा इवन इन योर शॉर्ट आंसर्स, सो दैट द एग्जामिनर कैन डायरेक्टली सी कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं. मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 4, ऑलवेज गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू योर आंसर. अगर आपने आंसर की देखी हो CBSE की इंग्लिश पेपर की, तो उसके अंदर आपने किस तरीके से अपने आंसर को लिखा है, कॉन्टेक्ट को स्ट्रक्चराइज किया है, उसके भी नंबर बढ़ते हैं, नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस आपस में कनेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिफरेंट पार्ट्स के आंसर में आधा आंसर यहाँ लिख रहे हो, आधा आंसर नीचे दे रहे हो, उसके बीच में दूसरे पार्ट का आंसर कर रहे हो। मतलब एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में, पॉइंट बाय पॉइंट चलो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस थ्रू दिस वीडियो, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम जब लॉन्ग आंसर्स लिखने की बारी आती है तो क्या हम उन्हें पॉइंटर्स में लिख सकते हैं? बेटा अप टू यू, बट अगर मेरी मानोगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि पैराग्राफ स्टाइल में लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपका पॉइंटर वाइज आंसर्स इंग्लिश में नहीं चलते, और आपके पास अगर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप अपना पहला पैराग्राफ एक कैरेक्टर को या एक स्टोरी को डेडिकेट कर सकते हो, दूसरा दूसरे को, या फिर आप पैरेलल लेकर चल सकते हो कि एक एक पॉइंट दोनों साथ साथ कॉन्ट्राडिक्ट या दोनों उसको मैच करते हुए चल रहे हो। दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, बट दैट मेक्स मोर सेंस व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर के आंसर्स। पॉइंटर्स में आंसर्स लिखने आई थिंक आपके लिए उनको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, एंड इट डजंट इवन लुक दैट गुड। ऑलराइट, moving on to the last step, make the opening and closing line impactful। अगर आपकी beginning और ending अच्छी है आंसर्स की तो सीधा सीधा आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे सकते हैं। अब ओपनिंग लाइंस को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन उस वैल्यू से रिलेटेड कोई ईडियम याद है, मेक श्योर टू ऐड इट। अगर आपके पास कोई कोट गिवन है आप उसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर यू अग्री विथ समथिंग और नॉट, तो आप उसमें येस या नो का आंसर कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो उस वैल्यू से रिलेटेड, लेट्स से एजुकेशन, लेट्स से डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो इन सब के ऊपर कुछ एक इम्पैक्टफुल लाइन लिख सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग, तो क्लोजिंग के लिए आप हमेशा अपने ओपिनियन से अपने आंसर्स को क्लोज करो, अपने थॉट से, कि अगर आपके पास कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप किस कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपके पास कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके ऊपर उस कैरेक्टर का क्या इम्पैक्ट आया है। अगर आपके पास स्पीच बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसमें ऑब्वियसली एक गिवन क्लोजिंग होती है कि थैंक यू बोलना है। अगर आपके पास लेट्स से कोई कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप उसको प्रॉपर क्लोजिंग कैसे दे सकते हो, जहाँ पे वो एक दूसरे को गुड बाय कर रहे हैं या किसी चीज़ के साथ अग्री कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड वन मोर एडिशनल टिप जो मैं जाते जाते देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस लिखने के लिए आए हैं तो जो भी क्वालिटी आप उस कैरेक्टर की बता रहे हो, always support that quality with an incident from the chapter or from the poem itself that makes an impact on the examiner कि आपको पता है कि आप जो लिख रहे हो वो आप क्यों लिख रहे हो। जो obvious qualities है उनसे beyond भी qualities लिखो जो आप incidents के basis पर deduce कर पाए हो, and again उसके evidence में वो incident ज़रूर लिख कर आना, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लॉन्ग आंसर्स को बहुत इम्पैक्टफुल बनाती है, ठीक है। और वोकैबुलरी के चक्कर में, ऑब्सेस होने के चक्कर में ये मत कर आना कि आप ना ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो। ये तो मैं जनरल हर उसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बच्चे ना वोकैबुलरी के पीछे इतने पगला जाते हैं कि वो ना ग्रामेटिकल एरर्स करके आ जाते हैं और नंबर कटने की जगह, सॉरी बढ़ने की जगह कट जाते हैं। तो सीधा स्पष्ट आंसर लिखिए पर उसे सही ग्रामर के साथ लिखिए, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एंड दैट्स इट। आई थिंक 5 से ज़्यादा ही टिप्स मैंने दे दी है, फ्लो में जितना मुझे याद आता गया मैं बताती चली गई, बट दैट्स इट ऑन माई एंड। ऑल्सो दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इसे भी ज्वाइन करो फॉर रिमाइंडर्स, PTS एंड PDS ऑफ सच अमेजिंग सेशंस। लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel, guys. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।